भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिर घोषित हुई वनडे सीरीज। फिर एक बार भारतीय टीम को मिलेगा नया कप्तान। रोहित और राहुल के अलावा अब किसके हाथों में होगी टीम की कमान? टीम इंडिया इस समय बांग्लादेश दौरे पर है। इस दौरे के बाद टीम इंडिया 6 बड़ी सीरीज खेलने वाली है। ये सब सीरीज टीम इंडिया अपने ही घर में खेलेगी। आपको बता दें कि ये सारी सीरीज आईपीएल 2023 से पहले खेली जाएंगी। टीम इंडिया अगले 3 महीनों में श्रीलंका, न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड का भारत दौरा 18 जनवरी से शुरू होगा। इस दौरे पर एक बार फिर नया कप्तान देखने को मिलने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है। न्यूजीलैंड ने इस वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम की कमान केन विलियमसन के हाथों में नहीं होगी। उन्हें इस सीरीज में आराम दिया गया है। उनकी जगह वनडे सीरीज में टॉम लैथम को बनाया गया है। आपको बता दें कि विलियमसन ने पिछले हफ्ते ही टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। वह अब वनडे और टेस्ट के ही कप्तान है। भारत दौरे पर केन विलियमसन के अलावा दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउदी भी नहीं आएंगे। न्यूजीलैंड के भारत से पहले पाकिस्तान का दौरा भी करना है। यह दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते नजर आएंगे, लेकिन भारत के खिलाफ इन दोनों ही खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। टिम साउदी हाल ही में न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के कप्तान भी बनाए गए हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो रोहित शर्मा और राहुल में अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं बैठता है या उसकी टीम में जगह नहीं बन पाती है तो उसकी जगह सूर्य कुमार को उप कप्तान के तौर पर टीम में जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टीम को फिर एक बार नया कप्तान देखने को मिल सकता है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, किस खिलाड़ी को इनकी गैर मौजूदगी में कप्तान बनाना चाहिए, ऋषभ पंत या फिर सूर्य कुमार यादव? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।